हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, यानी आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है और आप अपनी लाइसेंस डिटेल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा, तो आइए देखते हैं कि एग्जिस्टिंग यूज़र्स कैसे अपनी रजिस्टर डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर से, मार्ग लाइसेंसिंग से रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो गई है, जहां से आप अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर जो है पार्टनर आईडी और कंपनी नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट बाकी की डिटेल्स को आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ हम यहां पर जो है ईमेल आईडी को चेंज करते हैं। हमने यहाँ पर जो है ईमेल आईडी को चेंज कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP के लिए, मींस वन टाइम पासवर्ड के लिए अलर्ट आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी OTP है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, बट अगर आपके पास OTP नहीं है तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर जो है यस पर क्लिक करते हैं। उससे पहले आप यहां पर एक बात का ये ध्यान देंगे कि OTP जो है वो आपके पुराने नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा। मींस अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज किया है तो आपका जो पुराना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा उसी पर ही आपको OTP का मैसेज रिसीव होगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है यस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP रिसीव होगा। इस तरीके से आपको जो है OTP रिसीव होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो OTP आपको रिसीव होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपके पास एक अलर्ट आएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो पार्टनर को सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं, और विद इन 1 आवर आपको कन्फर्मेशन मेल और SMS मिलेगा आपके पुराने ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर। अब आपको जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपका लाइसेंस नंबर रिसीव होगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल रिसीव होगी जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, और साथ ही आपको जो है इसमें इस तरह की एक लाइसेंस फाइल मिलेगी जो कि .ini फॉर्मेट में होगी, और इसमें जो है कस्टमर आईडी और लाइसेंस नंबर होगा। इसके बाद अब आप यहां से डाउनलोड लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका लाइसेंस नंबर जो है वो यहां पर शो हो रहा है। सिंपली आप यहां से ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको शो हो गया है कि आपका जो लाइसेंस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अब आप जो है उस लोकेशन पर आएंगे जहाँ पर आपने अपना मार्ग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि अभी हमने अपना मार्ग सॉफ्टवेयर ई ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर जो है अपने मार्ग फोल्डर को ओपन कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइसेंस फाइल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गई है। और इसके बाद अब अगर आप यहाँ से मार्ग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, देन यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, और अगेन हम यहाँ पर मास्टर से मार्ग लाइसेंसिंग पर आते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने चेंजेस किए थे, हमने ईमेल आईडी को चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं कि जो वो चेंजेस हैं वो यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हमने अपने एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए ऑनलाइन प्रोसेस देखा। थैंक यू।